Today's press conference, particularly, is for my merger to this, the very only one regional party of the state, PPA, my joining to this party. इसके लिए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है और मैं अपने आप को बता दूं कि मैं हर जगह मेरा ये कहना है कि ये पार्टी इज नॉट टू इम्पोर्टेंट फॉर मी बट द पीपल आई एम ए पीपल फ्रेंडली प्रो पीपल लीडर. आज मैं किस लिए पीपीए को चुना हो इसका वजह मैं बताऊंगा आप सभी को कि सबसे पहले अरुणाचल ने जिस प्रकार को मुझे जाना है कि मैं रिपब्लिकन पार्टी आरपीआई ए के जो स्टेट प्रेसिडेंट के हैसियत से मैं कुछ महीनों से मैं काम कर रहा था. मैंने मिशन 2000 विलेजेस का दौरा किया. अभी भी मेरा प्रचार चल रहा है. मैं लोकसभा के चुनाव के दौर में हूँ और 16 तारीख को जब मैं दिल्ली गया टीम अरुणाचल के हैसियत से मैं गया और नेशनल 16 तारीख मार्च को मैं दिल्ली गया. 17 तारीख को मैंने रामदास अटवाले जी से मिला इनका ऑफिस में बांग्लो में और वहाँ मैंने अपना प्रपोजल रखा कि अरुणाचल से आरपीआई से 11 सीटों में एमएलए लड़ेंगे. 11 एमएलए एस्पायरेंट कैंडिडेट जो थे इनका मैंने इनसे बात किया और लोकसभा के लिए पूर्वी अरुणाचल से. तो 19 तारीख को पार्टी का टिकट ए फॉर्म बी फॉर्म दिया गया मेरे हाथ में और उसी 19 तारीख के रात को जब मैं इट वॉज ऑलमोस्ट लेट नाइट एक कॉल आया था मुझे जो पीए राहुल करके जो हमारे मंत्री साहब के पीए हैं पीए साहब ने ये कह दिया कि आपको जिस प्रकार से वो आज मंत्री के तरफ से नेशनल प्रेसिडेंट रामदास अठावले के तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स जो 11 एमएलए और एक एमपी का जो पार्टी टिकट दिया गया उसको कॉल बैक किया जा रहा है. कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम बता रहे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम. तो टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है तो वह जाने. लेकिन मैंने मेरे लिए इट वॉज शॉकिंग कि पार्टी का टिकट ऑलरेडी जिस प्रकार से दिया गया उस प्रकार से अचानक से उसको दोबारा बुलाना और वापसी करने का जो मांग था तो मेरे लिए कंफ्यूजन था. फिर भी मैंने उसको पेपर्स को लौटाया कि टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है. किस प्रकार का टेक्निकल प्रॉब्लम है आई डोंट नो. लेकिन एक तरफ यहाँ अरुणाचल का जो पार्ट स्पेस में असेंबली और एमपी का जो इलेक्शन डिक्लेयर नोटिफिकेशन हो चुका है तो 20 तारीख से 25 तारीख के अंदर अंदर भीतर भीतर ही नामांकन भरना होता है और 20 में अचानक से 21 तारीख को हॉलीडे है फिर 23 को सैटरडे है 24 तारीख को संडे रविवार है. तो केवल एक उम्मीदवार को एमएलए हो या एमपी को 2 दिन का समय मिलता है नॉमिनेशन फाइल करने के लिए. ऐसे में जिस प्रकार से जो डिले एक्शन हो रहा था आरपीआई का जिस प्रकार से वो टेक्निकल प्रॉब्लम बताते हुए पार्टी टिकट को वापस ले लिया और एक्शन नहीं हो रहा. आज का तारीख में 22 तारीख है आज तो 22 तारीख तक अभी 3 बजकर पार हो गया कोई टिकट हमारे यहाँ अरुणाचल नहीं पहुँचा. दिल्ली में ही है टिकट तो हमारे कैंडिडेट्स इस प्रकार से 11 के 11 कैंडिडेट तितर बितर हो गए. किसी ने अलग अलग राजनीतिक दलों का टिकट लेकर नॉमिनेशन भरना शुरू कर दिया. तो ये मेरे लिए एक स्टेट प्रेसिडेंट के लिए बहुत हर्टिंग एक बहुत डिफिकल्ट समय था कि मेरे ऊपर जो विश्वास करके 11 लोग एमएलए टिकट अर्पिया से मांग रहे थे उनको टिकट नहीं मिला समय पर और नॉमिनेशन का समय बहुत करीब है. समय नहीं है दूर दराज जगह जाना है अपना अपना इलाका संसदीय क्षेत्र में या विधानसभा क्षेत्र में उनको जाके अपना नामांकन भरना होता है. तो इसके लिए आरपीआई का ऊपर मैंने एक चिट्ठी लिखा कि मैं इस प्रकार से काम नहीं कर सकता कि एक जो टेक्निकल डिफेक्ट क्या चीज़ है वो जाने लेकिन इस प्रकार से हमारा आरपीआई अरुणाचल के जो कैंडिडेट्स के लिए बहुत तेज पहुँचाया. तो मैंने मोरल ग्राउंड में सोचा कि नहीं आरपीआई से मैं इस्तीफा दूंगा. मैं खुद अपने लिए लोकसभा के लिए एक स्टेट प्रेसिडेंट को ही टिकट समय में नहीं मिला तो
तो वजह नहीं बनता है आरपीआई में रहने के लिए। तो मैंने चिट्ठी लिखकर अभी अभी पैक्स कर दिया, या अच्छा मैं इसका पीए को भी दे दिया, नोटिस इंसर्ट्स विनोद जी निकल के भी दे दिया, और मंत्री तक खबर पहुंच गया। तो दो राय नहीं है, मंगोल यमसो पूर्वी अरुणाचल से चुनाव लड़ेंगे लोकसभा से, और पार्टी टिकट पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल पीपीएसएम में लड़ूंगा। तो ये आपको संदेश देना था सारे अरुणाचल के, खासकर मेरे स्टैंड अरुणाचल के जनता को बताना था कि कोई गलत फहमी ना हो कि पार्टी अदल बदल क्यों हुआ हो। मैंने कारण बताया कि कारण कुछ वजह बहुत खास नहीं था, लेकिन समय पे टिकट नहीं मिलने के कारण से आरपीआई को मैंने छोड़ दिया। अभी ये कंफर्म है कि मैं पीपीएस से चुनाव लड़ूंगा। आपको इलेक्शन कैंपेन करते हुए फील्ड में मैं मिला जी, आपने आरपीआई बताया जी, मैं लिखा भी, आपने खुद बोला है 200 विलेज रन मिशन में आप कर चुका है, बिल्कुल, ये लोगों तक आप ये मैसेज कैसे पहुंचाएंगे? मेरे जो संसदीय क्षेत्र काफी बड़ा है, 11 जिलों के इलाका होता है, फिर भी आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का साइंटिफिक एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी का समय है। ये आज जिस प्रकार से हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसी प्रकार से ये संदेश मेरे सारे लोगों 2000 गांव के लोगों तक पहुंच जाएंगे 24 घंटे में। ये खबर सबको फैल जाएगा, इसके लिए कोई बड़ा दिक्कत नहीं है। अब आप नॉमिनेशन कब फाइल करेंगे? नॉमिनेशन हम जा रहे हैं, तेजू के लिए हम निकल रहे हैं, समय नहीं रहा, तो मैं आज रातों रात तेजू के लिए निकल रहा हूँ। और क्योंकि कल रविवार है, फिर मेरा शनिवार है, रविवार आ रहे, तो मैं 25 तारीख को मैं नॉमिनेशन फील करूंगा तेजू में। लगता है आप बहुत एमपी के लिए बहुत इंटरेस्ट है, आपका मेन वजह क्या है जो इतना है? मेरा वजह यह है कि देखिए, मैं 25 सालों से, 20 साल का उम्र से मैं इस छात्र संगठन में नेता रहा हूँ, आपसू में एक हमारा ऑल बगोंग स्टूडेंट यूनियन या ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन आपसू लीडर। उसके बाद युवा कांग्रेस का नेता रहा, डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट या स्टेट का जनरल सेक्रेटरी, और एक राजनीतिक दल में मैं ऑल इंडिया का जनरल सेक्रेटरी भी रहा, नेशनल लेवल में 2 साल काम किया एज ए ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी। इस प्रकार से मैं विभिन्न राजनीतिक दल में काम करने का अवसर मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ बीते हुए दिनों में। और अब मेरा कोशिश ये रहा कि आरपीआई से हम कोशिश करेंगे या एक नया पार्टी से, लेकिन ये नहीं हो पाया। और लोगों में ये एक बात थी कि आरपीआई में लोग काफ़ी कंफ्यूज थे। अब मेरे मन ही मन में और मेरे समर्थक लोगों का यह कहना था कि आप रीजनल माइंडेड के नेता हैं, तो रीजनल माइंडेड के अगर आप नेता हो तो आपके लिए सबसे उत्तम राजनीतिक दल और कोई नहीं बल्कि पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल पीपीए ही हो सकता है। तो मैंने नेक्स्ट ऑप्शन को डायरेक्ट पीपीए में चला गया, और पीपीए के जरिए जिस प्रकार से मैं अभी चुनाव लड़ रहा हूँ एमपी का, तो मेरा मुद्दा, मेरा पार्टी का मुद्दा ये होंगे कि हम रीजनल इंटरेस्ट पे फोकस करेंगे, रीजनल इंटरेस्ट। कुछ उदाहरण के लिए, जिस प्रकार से पॉलिटी स्टेटहुड एनेक्टमेंट एक्ट हुआ है गलत तरीके से, स्टेटहुड आपने देखा, इसमें आर्टिकल 371 में, हाँ 371 वाला मुद्दा जो विषय है, ये गंभीर मुद्दा है, हाँ एच और ए का, तो अरुणाचल को एच में डाल दिया, जबकि बाकी जो स्टेट नागालैंड मिजोरम वगैरह है हमारा ही पूर्वोत्तर के राज्यों के, वो आर्टिकल 370A में आते हैं और वो अपना एक लोकल ट्राइबल राइट्स को एंजॉय कर रहे हैं, और अरुणाचल को एश में डाल दिया, इसको बदलना है, देयर मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। असेंबली में ये मुद्दा क्यों नहीं उठता, ये पार्लियामेंट हाउस में क्यों नहीं उठता, अगर मैं एमपी बनूंगा ये मेरा पहला मुद्दा होगा ये। और उसके बाद हम तो पहले से जब आरपीआई में थे तब भी मैंने आवाज़ उठाया, विरोधी आवाज़ उठाया कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल हमारे लोगों के लिए ठीक नहीं है, हमारे नॉर्थ के लिए ठीक नहीं है, हमारे अरुणाचल के लिए ठीक नहीं है। तो हम ये मुद्दा उठाएंगे, हम हमेशा कहेंगे कि ये केप का बिल पास ना हो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल।